नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। निन्वे के विषय में भारी वचन। एलकोशी नहुम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठने वाला और पलटा लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा पलटा लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से पलटा लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है और वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूली है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कर्मेल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टाने उसकी शक्ति से फटफट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिनों में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो और मदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खुंटी की नाई भस्म ही भस्म किए जाएंगे। तुझमें से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कुकल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। यहोवा यो कहता है कि चाहे वे सब प्रकार से सामर्थ्य हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और वह शून्य हो जाएगा। मैंने तुझे दुख दिया तो है, परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। और यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालयों में से ढली और गढ़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। वह पूरी रीति से नाश हुआ है। नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है। गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखती हुई चौकस रह। अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे, क्योंकि यहोवा याकूब की बड़ाई इसराइल की बड़ाई के समान जो कि त्यों कर देता है। उजाड़ने वालों ने उसको उजाड़ तो दिया है और दाखलता की डालियों को नाश किया है। उसके शूरवीरों की ढाले लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग किनाई चमकता है और भले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग से हाके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे पलितों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है,
वे चलते चलते ठोकर खाते हैं, शहर पनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठा जाता है। हुसैब नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पंडुकों की नाई विलाप करेगी। निन्वे तो जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारने जाने पर भी कोई मुंह नहीं फेरता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत का कुछ परिणाम नहीं और विभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिणाम नहीं। वह खाली और छूछी और सुनी हो गई है और मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं और उन सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठती है और सबों के मुख का रंग उड़ गया है। सिंहों की वह मान और जवान सिंह के आखेट का वह स्थान कहाँ रहा जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे। सिंह तो अपने डावरों के लिए बहुत अहेर को फाड़ता था और अपनी सिंहनियों के लिए अहेर का गला घोट घोट कर ले आता था और अपनी गुफाओं और मांदों को अहेर से भर लेता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे और मैं तेरे अहेर को पृथ्वी पर से नाश करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा। नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, अहेर छूट नहीं जाते हैं, कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली की नाई चमकते हैं, मारे हों की बहुतायत और लोथों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा और मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, निन्वे नाश हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे, हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढ कर ले आए, क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और उसके किला और शहर बनाकर काम महानद देता था, कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे एक सड़क के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तू भी मतवाली होंगी, तू शून्य हो जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेंगी, तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्ष के समान होंगे जिनमें पहले पके अंजीर लगे हो, यदि वे हिलाए जाए तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वे स्त्रियां बन गई, तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़े आग के कौर हो गई है।
गिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा, वहां तू आग में भस्म होगी और तू तलवार से नाश हो जाएगी, वह एलेक नाम टिड्डी की नाई तुझे निगल जाएगी। यद्यपि कि तू अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनती हो भी जाए, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनित हुए। टिड्डी चट करके उड़ जाती है, तेरे मुगुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिनों में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। हे अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं, तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठे नहीं करता। तेरा घाव भर न सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर लगातार तेरी दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। लगातार